Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज कर आज के टॉप 20 में। मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। पाकिस्तान के एक कथित धार्मिक नेता नाथवान मौलाना रहीमुल्ला उर्फ मौलाना रहीम उल्लाह तारिक की कराची के औरंगी टाउन इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के गुना का दौरा करेंगे। गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा में वह रोड शो करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला रोड शो करेंगे और मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के बड़वानी का दौरा करेंगे और वहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में बीती रात एक घर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तराकाशी सुरंग ढहने से कम 40 लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको जयशंकर ने अपनी यूके यात्रा के दौरान लंदन में BPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर दिवाली मनाई। हवा की गुणवत्ता मापने वाले स्वेस प्रमुख के आंकड़ों की माने तो दिवाली के बाद सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पूरी दुनिया में सबसे खराब हो गई है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से टकराएगी। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। भारतीय शेयर बाजार आज दिवाली के अगले दिन सुस्त नजर आ रहा है। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है और निफ्टी 19,500 के नीचे फिसल गया है। मुंबई में दिवाली की रात लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। इसके कारण आज मुंबई में वायु की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। मुंबई में AQI का स्तर 288 तक पहुंच गया है। नासिक के एक शोरूम में कल आधी रात आग लग गई। आग देखते ही देखते आसपास की दुकानों में फैल गई। खबर है कि इस घटना में 5 से 6 दुकानें जलकर खाक हो गई है। महाराष्ट्र में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। बारिश के कारण ठंड बढ़ने की भी आसार है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। मनोज जरांगी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जरांगी ने कहा है कि वो 2-3 बाद राज्य का दौरा करेंगे। निर्दलीय विधायक रवि राणा के दावे के बाद अब BJP नेता प्रवीण दरेकर ने NCP अध्यक्ष शरद पवार को लेकर बड़ा दावा किया है। दरेकर का कहना है कि शरद पवार जल्द ही महाराष्ट्र के विकास में हमारा समर्थन करेंगे। NCP अध्यक्ष शरद पवार के नाम से एक प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि उनकी जाति श्रेणी OBC है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत फिर एक बार चर्चा में हैं। SP को धमकी देते हुए मंत्री का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं CM की भी नहीं सुनता हूँ। सलमान खान की Tiger 3 को ऑडियंस से शानदार रिस्पांस मिला है। बम्पर ओपनिंग के बाद फिल्म ने सोमवार को नवदार कलेक्शन कर कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश भर के किसानों के लिए खुशखबरी है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। दिवाली के अगले दिन ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इससे पहले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।